बात मैं ये कर रहा था कि अगर आप कोशिश करते हैं और सर्वाइव करते हैं किसी भी काम की तरफ और हिम्मत करते हैं तो कामयाबी मिलती है, और आइडियाज़ लेते हैं। मैं आइडियाज़ अपने कंपटीटर से भी लेता हूँ, मैं उनसे भी लेता हूँ कि जो मेरे मुकाबले में हैं, जो मेरी तरह का बिज़नेस कर रहे हैं या मुझसे बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं ऑनलाइन मेरी फील्ड में या कोई भी, मैं उनसे भी आइडियाज़ लेता हूँ। इंडिया का एक बच्चा, आई थिंक कोई 11-12 साल उसकी एज होगी, और उसने कहा कि मैंने ना एक पार्सल सेंड करना था, और पार्सल सेंड करने के लिए मैंने जब कुरियर कंपनी से रابطہ किया तो उन्होंने कहा कि जी हम इतने पैसे लेंगे, कोई एक अच्छी अमाउंट डाल दी उन्होंने, 400-500 या जितनी भी थी, कि ये लेंगे तो आपकी सिटी में डिलीवर हो जाएगा और इतना टाइम लगेगा। कहता मैं तो बड़ा शॉक्ड हो गया, यार ये तो बड़ा महंगा सिस्टम है और ये मेरे लिए तो ठीक नहीं है। तो कहने लगा कि मैंने ना इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया कि जी अब मैं क्या करूं कि इस चीज़ को मैं कम कर दूं, कॉस्ट को भी कम कर दूं और डिलीवरी का जो ड्यूरेशन है उसको भी मैं कम कर दूं। वो कहते हमने ना एक प्लान बनाया, वो बच्चा, और उसने अपने साथ अपने बड़ों में से किसी को मिलाया। कहते एक साल तक, पूरा एक साल हमने एक प्लान बनाया, हमने वर्क करना किस तरह है। आइडियाज़ बनते थे, ख़त्म होते थे, बनते थे, ख़त्म होते थे, बनते थे, ख़त्म होते थे। आपने देखी है लाइक ऊबर, करीम, फूड पांडा, ये आपने एप्लीकेशंस देखी हैं, ये आइडियाज़ सबसे पहली चीज़ इनके पीछे काम करती है, फिर ऐप, और थर्ड नंबर पे आपकी सर्विस। लोगों का पैसा लोगों पे लगा के वहीं से वो आउटपुट ले रहे होते हैं। वो कहने लगा कि मैंने ना कहा कि मैं खुद की अपनी कोरियर सर्विस बनाऊंगा, और कोरियर सर्विस क्या काम करेगी, दूसरे शहरों में हमारे पार्सल डिलीवर नहीं करेगी, इन सिटी डिलीवर करेगी हमारे पार्सल। अब जब इन सिटी डिलीवर करेगी तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा। अब लाइक मुंबई बहुत बड़ा शहर है, इंडियन बच्चे की बात बता रहा हूँ, या हमारी मिसाल ले लें कराची, एक कोने से दूसरे कोने पे जाने के लिए आपको घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे भी लग जाते हैं, और कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। उन्होंने एक एप्लीकेशन भी बनाई इस बेस पे, और एप्लीकेशन बनाने के बाद उन्होंने उसको आपस में कनेक्ट कर दिया, मुख्तलिफ राइडर्स को उठाया कि जी आपकी जॉब है राइडर। आपको पता है ऊबर क्रीम वाले क्या करते हैं, अपने हिसाब से ऑनलाइन होते हैं, जिसको जो सहूलत होती है उनको पता है इतना काम करेंगे, इतने पैसे मिलेंगे, इतना कमीशन मिलेगा, वो काम करते हैं, चलते हैं दिन रात, फूड पांडा चीज़ें, बड़ी बड़ी सर्विसेज। उसने वो सर्विस बनाई कि जी हमारा पार्सल, अब ये 30 किलोमीटर का एरिया है, ये क्लाइंट ने पार्सल दिया हमारे राइडर को, ये 30 किलोमीटर नहीं जाएगा, ये जाएगा सिर्फ 10 किलोमीटर तक, ये 10 या 12। उसने ना एक अपना एरिया दे दिया कि इस राइडर का एरिया यहाँ से यहाँ तक है, सेकंड का एरिया यहाँ से यहाँ, थर्ड का यहाँ से यहाँ। उसने कहा कि ये पार्सल यहाँ से लेगा, हर चीज़ ऑनलाइन होगी, ये अपने जैसे ही 10 किलोमीटर पे पहुँचेगा, 10 किलोमीटर पे इसको दूसरा राइडर मिलेगा जो उस एरिया का होगा, वो इसे पिक करेगा और ये वापस अपने काम पे लग जाएगा, वापिस अपने काम, वो उसको देगा और वो उसको देगा, और डायरेक्ट डिलीवर होगा, और कॉस्ट उसने कहा कि हमारी उस कंपनी से हाफ से भी कम हो गई, और इनको बिजनेस मिल गया, और राइडर्स जो बेरोजगार थे उनको काम मिल गया। एक आइडिया था, एक ऐप जनरेट की, पूरा एक साल वर्किंग की, अप एंड डाउन आए, लेकिन उन्होंने सर्वाइव कर लिया और वो बहुत आगे निकल गए, और वो पूरे सिटी के अंदर नहीं, पूरे इंडिया के अंदर ही वो एक कंपनी और एक ब्रांड बन के रह गए, कंपनी और ब्रांड बिल्ड कर दिया। क्यों? उसमें हर राइडर का टाइम भी शॉर्ट, वो कम कंज्यूम हो रहा है, और उसका फ्यूल भी कम कंज्यूम हो रहा है, उसको सर्विस भी बार बार मिल रही है। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपने सोचना है कि आपने काम करना क्या है, किस तरह का करना है और कैसे करना है। तो इसके अंदर आप अपना माइंड लड़ाएंगे, आप अपनी टीम बना लें, दोस्तों को मिला लें कि यार कौन सा ऐसा काम है कि जो हम कर सकते हैं। अब आप हैं इस वक्त डिजिटल मार्केटर, आप अपने आप को बिजनेस प्रमोटर बना लें, सर्विस प्रोवाइडर बना लें, या अपना ही बिजनेस रन करें। मेरे पास कोई मिनिमम 50 बिजनेस आइडियाज़ ऐसे हैं जो आप लोकल पाकिस्तान में रहते हुए यहाँ से इंटरनेशनल भी और नेशनल भी सर्विसेज, ऐसे 50 बिजनेसेस की दे सकते हैं कि जो आपको बहुत अच्छी आउटपुट जनरेट करके देगी, बहुत ही अच्छी। और एक ऐसा आइडिया है कि जिससे
आप अपनी कंपनी बिल्ड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।